बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बच्चों के लिए चूल्हा बनाना सिखाऊंगी कि आप उनके लिए किचन किस तरह बना सकते हो। एक कुकिंग वाला पोर्शन में बनाऊंगी और एक कवर्ड में बनाऊंगी। इसके लिए आपको इस तरह के कार्डबोर्ड के पीछे बॉक्सेस चाहिए। ये कार्डबोर्ड का बॉक्स है जो कि टाइल बॉक्स है। ये इसे टाइल्स हैं थे इसमें। तो ये हमारे पास तीन बॉक्सेस हैं, तो हम इस तरह करेंगे कि इन दो बॉक्सेस को इस तरह एक दूसरे के ऊपर पेस्ट कर लेंगे। इस तरह हम दो बॉक्सेस को एक दूसरे के ऊपर पेस्ट कर लेंगे। इस तरह मैं इन दो बॉक्सेस को ग्लू के ज़रिए से पेस्ट करूंगी और ये वाली साइड इस तरह अंदर कर लूंगी। जो ये नीचे उतरी हुई हैं ये मैं अंदर कर लूंगी। इस तरह इन दो को इस तरह ग्लू के साथ पेस्ट करना है और इस एक को इसके ऊपर रखना है। इस तरह से मैं बनाऊंगी। ये इसके साथ कवर्ड हो जाएगा और ये फ्रेम बन जाएगा जिसके ऊपर हम दो चूल्हे लगाएंगे। तो अभी मैं ये पेस्ट करने जा रही हूँ। ये देखिए, ये मैंने ग्लू की मदद से इस तरह पेस्ट कर लिया है और ये कबट हो गया है हमारा। इस होल को मैं बंद कर लूँगी बाद में। ये कबट है और ये नीचे दो अलमारी से हो गई, ये मैंने होल कर लिया यहाँ से। और इसके ऊपर यहाँ पे ये दो सीढ़ी रखेंगे जो कि चूल्हे के तौर पर काम करेंगे और इसको हम कवर अप करेंगे। तो अब मैं जा रही हूँ इसे कवर अप करने। कवर करने के लिए मैं फॉर्मिक शीट यूज़ कर रही हूँ। आप कोई सा भी शीट यूज़ कर सकते हैं, वॉलपेपर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास फॉर्मिक शीट अवेलेबल था इसलिए मैं ग्रीन और रेड कलर का फॉर्मिक शीट यूज़ कर रही हूँ। यह हमने अपने किचन को कवर कर लिया है। मैंने रेड फॉर्मिक शीट यूज़ किया और वाइट शीट यूज़ किया इसको कवर करने के लिए। अब ये हमारे पास इसका ऊपर वाला पोर्शन है। इसके ऊपर वाला पोर्शन बनाने के लिए मैं यहाँ पे सीढ़ी यूज़ कर रही हूँ। इन दो सीढ़ीज़ को मैं यहाँ पे स्टिक कर लूँगी इस तरह से। यहाँ पे कुकिंग करेंगी मेरी बेटी। और जो यहाँ पे कबर्ड है यह बन के तैयार है। कबर्ड को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक कार्डबोर्ड का पीस इस तरह से कवर कर लिया है, इस कार्डबोर्ड के पीस को। और इसको मैंने यहाँ पे एक तो मैं पहले से लगा चुकी हूँ और दूसरा इस कार्डबोर्ड के पीस को मैं यहाँ पे लगाऊंगी। और यहाँ पे लगाने के लिए मैंने एक छोटा सा एक और पीस कार्डबोर्ड का इस तरह स्कॉच टेप से रैप किया है। और इसके लिए मैंने स्कॉच टेप ये वाला स्कॉच टेप यूज़ किया है। ये पेपर वाला स्कॉच टेप होता है, ये ग्लू से ईजीली स्टिक हो जाता है। तो अब मैं यहाँ पर ग्लू लगा के इसे वहाँ पर स्टिक कर लूँगी। ये मैंने इसे स्टिक कर लिया। अभी ये थोड़ा सा गीला है, इसके ऊपर मैं ये लगा लूँगी। मेरे पास कैमरे को पकड़ने के लिए कोई है नहीं, तो इसलिए मैंने कैमरा भी खुद पकड़ा हुआ है। तो ये मैं इस तरह लगा लूँगी। तो इसके ये टू पोर्शन हो जाएंगे। तो ये इसका कवर्ड हो जाएगा। ये हम बंद कर लेते हैं। तो ये हमारा किचन बन के तैयार है। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।